नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र मौर्य आप सबका मौर्य भीम फ्लूट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो ट्यूटोरियल है वह है श्यामा ने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। तो आइए इसको एक एक लाइन करके सीखते हैं। मैं सी मिडिल फ्लूट का यूज़ कर रहा हूं, मेरे एक सब्सक्राइबर का डिमांड था और उन्होंने व्हाट्सअप पर भी जो है कि मैसेज किए थे बार बार, तो सर इसका ट्यूटोरियल बताइए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आज इसको बांसुरी पर कैसे बजाएंगे। तो मेरा एक कवर सॉन्ग भी है जो सी मिडिल फ्लूट से ही बजाया हूँ, तो स्वर की बात करूँ तो कोई भी कोमल स्वर नहीं लगा, एकदम बिगनर लेवल का सॉन्ग है और जो है कि बहुत ही मधुर लगता है सी मिडिल फ्लूट से बजाने में भी, वैसे भी बजाइएगा। तो आइए देखते हैं। और हाई ऑक्टिव और मिडिल और थोड़ा थोड़ा जो है कि लो ऑक्टिव का यूज है, जैसा वीडियो में लगेगा वैसे मैं आपको लोगों को बता दूंगा। तो आइए देखते हैं, पहले मैं एक लाइन बजाता हूँ फिर एक लाइन बताता हूँ। साइड में आपको नोटेशन भी दे रहा हूँ, और लेकिन नोटेशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरे फिंगर को देखिएगा, फिंगर को देखिएगा तो नोटेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मैं एक लाइन बजा रहा हूँ फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन कौन कैसे कैसे नोट्स लगेंगे। ठीक है, यह श्यामा ने बसो वृंदावन में, इस लाइन को पहले कंप्लीट करते हैं और स्टार्ट करेंगे ग से। स्टार्ट करेंगे ग म रे ग और ग म रे ग, ग म रे ग प ध प नि रे सा नि। ठीक है, ये देखिए आप मेरा फिंगर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ग म गामा गरे, गामा गामा गरे फिर गा, ठीक है गामा रे गा। ठीक है, सामाने बसो बसो ग पा, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं गामा रे। ठीक है, जैसे मैं लिखा हूँ नोटेशन में गामा रे, लेकिन रे जब करिएगा तो गरे सही है ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा इसे। ऐसा ही अगर थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो डायरेक्ट गामा रे भी कर सकते हैं ऐसे। गामा रे गा पा, और ये जब कीजिएगा बस वो वृंदावन में धापा नीनी। नीनी और रेशानी, रेशानी फास्ट बजेगा, रेशानी वृंदावन में। वृंदावन में एक बार फिर से देखिए, सनी, इसलिए मैं फिंगर देखिए, ठीक हो गया वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। दूसरा लाइन ये नी से स्टार्ट होगा, नी 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 सनी नी। देखिए नोटेशन क्या है, मैं लिखा भी हूँ बताने के लिए और साइड में तो दिया हूँ, जैसे कि नी 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 सा नी धा धा नी पा, नी 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 धा धा नी पा धा पा नी धा नी धा पा म गा रे। ठीक है, देखिए मेरी ऐसे नी नी सा नी, देखिए फिंगर रखे धीरे धीरे, ये आना चाहिए आपको, ठीक है ये आना चाहिए आपको, ये खटका है।
ये लास्ट में जो बोला नीधा नीधा, जो ऐसा किया हूँ ना वो समझेगा कि जल्दी जल्दी बजेगा। लास्ट में प के बाद मगारे गोकुल, ये जो है ना प के बाद निशानी धा धानी पा, और उसके बाद थोड़ा धापा कीजिएगा इसे फास्ट में। नीधा नीधा उसके बाद पामा गारी, ठीक ये हो गया। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, उसके बाद एक लाइन, उसके बाद और एक लाइन है, मैं तो बन के दुल्हन आज सजी तुम ही हो मेरे तन मन में, तो वहीं सेम लाइन लगेगा, श्यामा ने बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। तो इसको दो बार बजाना है, दो बार बजेगा तो ये दूसरा लिरिक्स है, मैं तो बन के दुल्हन आज सजी बस तुम ही हो मेरे तन मन, तो ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक उसके बाद जो है कि जो मेल पार्ट आता है, हो अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीबा गया है, तो इसको देखते हैं। हो का देखिए नोटेशन कैसे हुआ, गामा पा गामा पा गामा पा, पा दो तरह का बजता है, कैसे भी और कैसे भी, हो उसके बाद गामा पा, पा के बाद थोड़ा सा सांस को ब्रेक कीजिएगा फिर पा, या तो टंग से कर सकते हैं। हो अरे द्वार पा, अरे द्वार पालो जो प से स्टार्ट होगा, हो गामा प से ख़त्म होगा लेकिन प से फिर स्टार्ट, वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक कीजिएगा या टंग का इस्तेमाल कीजिएगा तो प जो है ना ऐसा लगेगा यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो रहा है, अरे द्वार पालो ये हो जाता है। गमा पा पमा ग पद पमा मम ग रे गम ग रे सनी नी 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 रे सा रे पमा ग रे ग, ठीक है। देखिए धीरे धीरे ममा नहीं या से गंगा ममा गरे, उसके बाद म गरे सानी फास्ट में, कन्हैया से कह दो फास्ट आएगा गरे सानी, अरे गारे सानी एकदम फ्लैट नोट है गारे सानी, फिर उसके बाद किधर पे नी 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 रसे नी 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 रसे नी 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 रसा, ये फास्ट होगा नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। देखिए और ये जो है ना नी रेसा किए हैं तो नी नहीं नी छोड़ दीजिए, रेसा रेसा फास्ट की जगह से, और खैर रेसा करने के बाद फिर रे फिर करीब आ गए पसे पमा
और लास्ट में रेपे कर दीजिएगा, गप रखते हुए अंगरी रेपे कर दीजिएगा। किधर पे सुदामा करीब आ गया है। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि आप लोगों को बताने में जो है ना बारीकी से बताने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए 15 मिनट छोटा सा गाना को देखिए आपको 10 मिनट से ऊपर हो गया। और इसके बाद जो है ना कि सेम नोट्स लगेगा, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ठीक है, तो इसको भटकते भटकते भी वहीं से होगा, प से ही स्टार्ट होगा, जैसे अरे द्वार पालो वहीं भटकते भटकते, ऐसे देखिए। भटकते भटकते को क्या कीजिएगा, थोड़ा टंग के साथ कीजिएगा ना इसे, नहीं तो सिंपल बजा दीजिए, बजेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ब्लोइंग करके भी, थोड़ा ब्लोइंग करने के बाद थोड़ा सा वो शब्द का निखार नहीं आता है, थोड़ा सा टंग का यूज कीजिएगा ना तो पता चलेगा वो शब्द हो रहा है। देखिए या पम ऐसे इस तरह से बजा रहा हूँ, आप ऐसे ही बजा सकते हो पूरा होल बंद करके भी। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, नोट्स वहीं लगेंगे जो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, तो वहीं चाहिए, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गए, वहीं से नोट्स लगेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर वहीं फीमेल पार्ट आता है, तो फीमेल पार्ट मुहे तुम हो सुहागन की धीरे तुम बिन मैं, जो भी हो जो आ रहा है तो वहीं लगेगा, श्यामा ने बसो वृंदावन, नोट्स वहीं लगेंगे, ग से स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके लाइक करके और शेयर करके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।